हाय एवरीवन इस वीडियो में हम एजुकेशन बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थ्री के इंटरनल असमेंट के सॉल्यूशन लेकर आए हैं तो आप लोग खुद देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि बच्चे ने स्क्रीनशॉट किस तरह से भेजा है तो आप ख़ुद इसके लिए जिम्मेदार हो प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अगर आप स्क्रीन शॉट ढंग से नहीं भेजोगे तो।, तो लेट स्टार्ट द वीडियो पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द नीड फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं इन पॉइंट्स में से आपको बताना है कौन सा पॉइंट्स ट्रू है अगर हम इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो चारों पॉइंट हैं वो सही हैं आप पॉइंट्स रीड आउट कर सकते हो जैसे कि इट विल लीड टू अपलिफमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट हैव रिमेन मार्जनालाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम और विल इंश्योर दैट एवरी ह्यूमन बींग बिकम्स अ सेंसिटिव एंड ये स इंडिविजुअल और अवे टू एक्सपेंड द स्किल पूल तो बेसिकली सारे इसके जो ऑप्शन है वो ठीक हैं ठीक है ऑल ऑफ द आर ट्रू अब इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ द दिख नहीं रहा क्योंकि अगेन देखो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं चौदह ऑप्शन दिख नहीं रहा तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली ऑल ऑफ द चूज कर लीजिएगा इसके बाद है राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 टू थाउजेंड नाइन इज अ यह क्या है भाई यह आपका फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है इसके बाद है हु वाज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके बाद है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जेंडर कंसर्न इन द क्लास इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है बॉयज आर सोशलाइज टू बी सबमिसिव यह स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे गर्ल्स आना चाहिए था तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ क्वेंड द टर्म दिव्यांग फॉर यह है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है फाइव इसके बाद है दोस्तों द सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी क्या क्या चीज़ों को सही बताती है यहाँ पर आपका देख सकते हो आप अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे यहाँ पर लुक एट सोसाइटी एज अ क्रिएशन ऑफ एवरीडे इंट्रैक्शन अमंग इंडिविजुअल इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड थ्रू इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर इट सजेस्ट दैट आवर आइडेंटिटी और सेल्फ कन्सेप्ट इज शेप्ड बाय आवर इंट्रैक्शन इन सोसाइटी इट वॉज प्रोपांडेड इन द वर्क ऑफ सोशोलॉजिस्ट एंड फिलासफ़र सचेज इनाम लिखे हुए हैं अलग अलग फ़िलासफर्स के तो ये सारे ही स्टेटमेंट ट्रू हैं दोस्तों इसके बारे में तो यहाँ पे आप देखिए तीन ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा अगर इसका आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अब सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशल प्रोटेक्टर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर ट्रू ठीक है फोर को छोड़कर बाकी की तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थाउजेंड प्रपोज अ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर यह आगा आपका बहुत गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुत गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर इसके बाद है इन द कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया हु आर्ग्यूट फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन इंडिया टू बी प्रोवाइडेड आ अपॉरचुनिटीज ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है जयपाल सिंह मुंडा इसके बाद है दर्ल्ड इक्वालिटी मीन्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेट ऑफ बींगुल इसके बाद है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है जैसे सेक्स इज सेक्सुअली कंस्ट्रक्टेड और जेंडर इज साइकोलॉजिकल बेस्ट कंस्ट्रक्टेड अ जेंडर आइडेंटिटी इज अ नेशनल पार्ट ऑफ हु दे आर और देयर इज ऑल्सो अ जेंडर बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर इनमें बताने है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेटमेंट थ्री एंड फोर आर ट्रू इसके बाद है द स्टेट शॉल इंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ टेन ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द डैश द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन चिल्ड्रनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ फोर्टीन ईयर इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है आर्टिकल फोर्टी फाइव ऑप्शन नंबर ए इसके बाद है एजुकेशन डिस्पैच डिस्पैच ऑफ नोन एज द वुड वुड्स एजुकेशनो लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ इसका आंसर है मॉडर्न सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसके बाद है इंक्लूजन बिकम द आइडियल वे ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आफ्टर यह है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन इन सलामांका 1994 इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बाय एनसीईआरटी इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंक्लूजन ऑप्शन नंबर सी In क्वेश्चन है। है। ठीक ये ट्वेंटी वन द टर्म स्पेशल नीड्स बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑप्शन नंबर ए इसके बाद है ट्वेंटी टू क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारी ही स्टेटमेंट जो इसमें गिवन है टीचर एबसेंट इज अ द परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन स्कूल या दे डो नॉट फाइंड द रिप्रेजेंटेशन इन द स्कूल करिकुलम ये सारी स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है इसके बाद ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं तो इसमें भी जो भी स्टेटमेंट आपके सामने है ये सारी स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इसके बाद है द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजुसियर विच मीन इसका मतलब होता है टू लीड आउट या टू ट्रेन यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकेंड इसके बाद है इंग्लिश एजुकेशन वॉज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज हु विल बी इंडिया इन रेस एंड कलर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस मैक्यूलरी इसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ दलित सोशो पोलिटिकल मूवमेंट आर मूवमेंट एंड लिटरेसी वर्क लेड बाय ये तीनों है इसके पैरियर भी ज्योति फुले भी और अंबेडकर भी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वन टू एंड थ्री इसके बाद ट्वेंटी है डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रेटोस पावर ऑप्शन नंबर ए थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन अचीव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है भाई एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू ऑप्शन नंबर ए है आपका जेहा एम आई जाट

सी एक क्वेश्चन नंबर थर्टी जो मिस हो गया था हमसे वो ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डाइवर्सिटी इन द क्लास के बारे में सही नहीं है यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बताना है आपको एक तो ये आर टी ई एक्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है क्यों फॉल्स है क्योंकि ये बीस परसेंट नहीं पच्चीस परसेंट का रिजर्वेशन देते हैं और एक मोस्ट लाइकली फोर्थ वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में आएगा जो बच्चे ने दिया हुआ है इसमें डी का ऑप्शन आएगा तीनों में से इसका आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा कि भाई सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आर फोल्स थ्री है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट गलत है बाकी की तीन स्टेटमेंट सही है यानी कि गांधी का कंसेप्ट जो एजुकेशन का था वो बेसिक एजुकेशन का था वो अप्रूड करते थे सोसाइटी को और बाकी की तीनों स्टेटमेंट सही है बाकी ये पहली वाली गलत है स्टेटमेंट तो इसका जो तो आंसर आएगा ओनली वन ऑप्शन नंबर ए थे बाकी जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमें नहीं भेजे वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थैंक यू